देवश्री आर्टिस्टिक में सबको स्वागत। इंडिया के हर घर में, चाहे वो बच्चे हो या बुढ़े, म्यूजिक से जुड़े हैं सब कोई, पर बहुत कम ही है जो अपने म्यूजिकल जर्नी को खास यानी अनोखा बना पाते हैं। चलिए आज इस वीडियो के थ्रू वायरल सिंगर संजना भट्ट के जो म्यूजिकल जर्नी है, कुछ अनोखा यानी अलग ही अंदाज से इस वीडियो के थ्रू हम लोग पेश करेंगे। संजना, आपका बोला हुआ हर सच आपके म्यूजिकल जर्नी का ताकत बने। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। अपने बच्चे को गोद में लेकर आप हर जाजेस के सामने, शंकर महादेवन, विशाल दादलानी, हिमेश रेशमिया के सामने, हर मेंटर्स के सामने, आम जनता के सामने आप सच बोले। आपका अनोखा म्यूजिकल जर्नी शुरू हुआ यहाँ से ही। संजना, आप खुद ही बोले हो आप म्यूजिक सीखे नहीं हो, पर आप म्यूजिक सुने हो। जैसे आप खुद एक जगह पे बोले थे, हम सुने, जो आप कहीं पर काम, एक स्कूल में काम करते थे, वहाँ पे बच्चे लोगों को सिखाया जाता था और वहाँ से आप खुद सुन सुन के बहुत गाना सीखे थे। पर संजना, ये था आपका एक अनोखा प्रयास। हम तो बोलेंगे सभी के पास ये सीखने का जो गुण वो नहीं रहते हैं, पर आपके पास ये सुन सुन के सीखने का क्वालिटी है और अभी भी है। संजना, आप जी टीवी के सारेगामा के शो में दूसरे कॉन्टेस्टेंट के साथ जो जो गाना गाए, आप हर दिन इम्प्रूव कर रहे हो। आप मासाकली गाए जो आपके घराना में नहीं था, फिर भी आप गाए। आप ओनली सेफ पोजीशन में खुद को रखने के लिए भी नहीं, वोटिंग सपोर्ट मिलने के लिए भी नहीं, आप खुद को प्रूफ करने के लिए ये गाना गाए थे, जो ये आपका अनोखापन था। संजना, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहे हैं, पूरा इंडिया से मिल रहे हैं, वोटिंग के थ्रू, जजेस के थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, ये सपोर्ट हमारे तरफ से चलते रहेंगे। आपको ओनली क्या करना है, रिवाज करना है और सुन सुन के आप जो सीखे थे वही जारी रखना है और खुद के ऊपर विश्वास भी रखना है। और आप तो जानते हो, सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे, जो मिले हैं, जैसे देवांशी और तृप्ति के पढ़ाई के लिए जीटीवी आपको सपोर्ट किए हैं 2 लाख रुपया। हम बोलेंगे आपको और भी मिलते रहेंगे, आप ओनली अपना रिवाज जारी रखो। जना, देवांशी और तृप्ति अभी देवेंद्र जी के गोद में बैठते हैं और वहां से ही आपको सपोर्ट करते हैं। एक दिन आएगा जब ये दोनों लिटिल चैंप पे गाएगी और आप और देवेंद्र जी बैठे रहेंगे उसी जगह पे जहां अभी देवेंद्र जी बैठे रहते हैं। लास्ट में बोलेंगे, अपने म्यूजिकल जर्नी को खुद खास करो। जैसे बच्चे भी बड़े होकर बोल पाए जे क्या मम्मी पापा उनको मिले थे, तो जहाँ पे जाना है वो अचीव करो, विश्वास रखो अचीव आप कर पाओगे और अपना म्यूजिकल जर्नी को खास, अनोखा, अलग अंदाज से भर दो।